सो हेलो लवली पल, क्या हाल चाल भाई लोग, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे पास है आज एक्टिवा 125 सीसी BS6 एंड इसकी मैं करने जा रहा हूँ 1 लीटर पेट्रोल माइलेज टेस्ट। जो BS6 है, FI है ये, और इसमें 1 लीटर पेट्रोल माइलेज टेस्ट जो कि मैं चेक करने जा रहा हूँ। इसका पेट्रोल टैंक जो कि 5.3 लीटर है, आई थिंक इसमें 1 लीटर पेट्रोल माइलेज टेस्ट हो जानी चाहिए। एंड जैसे बड़ी गाड़ियों में FI होता है, उसमें होता है क्या, कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर होनी चाहिए, नहीं तो मिसिंग करने लगती है। एंड इसमें देखते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कोई दिक्कत देती है कि नहीं देती है, और 1 लीटर से क्या माइलेज निकलती है। और इसमें करीबन पहले कुछ किलोमीटर चली हुई है जिसका माइलेज ये दिखा रहा है, नहीं चलो इसको मैं अभी यहाँ से रीसेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसको बंद करते हैं, सीट खोलते हैं। तो ये मेरे पास पेट्रोल है, ये 1 लीटर, जिससे पेट्रोल मैं चेक करूँगा उसके बाद ये घर जाने के लिए। तो ये देख सकते हो, और कुछ है नहीं। अरे यार, ये भी होना ज़रूरी था। चलो सो गाइस, ये अपने पास 2 पेट्रोल है, इससे करेंगे जब ख़त्म हो जाएगी तब करेंगे इसका 1 लीटर पेट्रोल माइलेज टेस्ट। तो अभी सारा पेट्रोल मैंने निकाल लिया है घर में ही। एंड ओहो, सो अभी क्या है, इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ है तो उसको हम चला के ख़त्म करते हैं। और सीरियसली गाइस, मतलब पेट्रोल तो मैंने सारा निकाल ही लिया है, और तो ये डाउट तो ख़त्म हो गया कि यार 1 लीटर से कम अगर पेट्रोल होती है तो ये चलेगी नहीं। तो ये चलेगी और अच्छे से चल भी रही है। तो मैंने घर से स्टार्ट किया था और यहाँ तक आया हूँ जो कि बहुत बढ़िया चली, और अभी देखो अभी भी एकदम बढ़िया मस्त चल रही है, कोई मिसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। सो इसको जो जितना भी पेट्रोल है उसको ख़त्म करते हैं। कोशिश पूरी रहेगी, मैं आज मैंने निकाल रहा हूँ, क्लेम करती इस गाड़ी की 60 के आसपास माइलेज, तो देखते हैं क्या माइलेज रहती है। एंड उसी के टाइम मैं इसका जो ट्रिप है, ट्रिप को भी मैं जीरो कर दूंगा, टोटल देखेंगे 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है। सो गाइस, कंटिन्यू रखता हूँ और फिलहाल जो है इसको चला के ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं, दोबारा बात करते हैं। तो तब तक क्लिप बाय क्लिप देखिए। नाइस, मैं इतने टाइम से मतलब बाइक चला रहा हूँ और ये 125 सीसी है, तो इसके पावर के मुकाबले तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और भाग भी अच्छी रही है। 60 70, वाओ, मतलब हैंडलिंग भी एकदम बढ़िया है, ब्रेकिंग भी बढ़िया है, मुझे तो चला के मज़ा ही आ गया। होगी इसका कल्याण। मैं मतलब स्टार्ट हो रही है लेकिन थ्रॉटल देते ही ये आगे नहीं बढ़ रही। सो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और चलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ट्रिप है इसको हम कर देते हैं जीरो। तो ट्रिप अपनी जीरो हो गई है, दिखा देता हूँ पेट्रोल। ओहो, ये तो नए ज़माने की चीज़ है बाबा। जो भी होता है ये, भाई पहली बार खोल रहा हूँ इसको, हाँ थोड़ा प्रेस दबाना पड़ता है। सो ये अपने पास है और ये अपने पास है, और ये देख सकते हो कुछ भी नहीं है। सो इसको, ये अपना 1 लीटर है, तो इसको डालते हैं थंबनेल के लिए, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, है ना, इधर से ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो सो, अरे यार ओहो, यहाँ तो ये भी है। तो गाइस ये है अपना, तो इसमें खोलते हैं पहले, दिख तो नहीं रहा कैमरे में, भी दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से। सो इसमें डालते हैं 1 लीटर पेट्रोल, और
ओहो थोड़ा सा गिर गया पेट्रोल, बोतल का टंटा थोड़ा बेकार है। ओहो 1 किलोमीटर डल गया बाबा। तो सबसे पहले फटाफट लगाते हैं इसको यहाँ, और ये यहाँ लग गया, तो इसका सीट भी खोलना है मुझे। ओहो बड़े आराम से खुल गया। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिप को, कर दिया 0। ओहो ट्रिप 0, 11:44 और कंटिन्यू गाइस। मैं चलाने वाला हूँ 50 से 60 की स्पीड में, एंड देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है। और यहाँ पे भी माइलेज दिखा देती है, तो अभी टोटल 0 रखा है, ट्रिप मैंने कर दिया 0, और अब करते हैं स्टार्ट। ओहो और अब कोई मिसिंग भी नहीं है, और इसमें मेरे को ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा फ़ोन रखने का। टडिंग सो गाइज मैंने फ़िलहाल चार्ज पे लगा दिया है, एंड इसको थोड़ा सा चार्ज होने देते, और अराउंड मैंने अभी तक 39.5 किलोमीटर चला चुका हूँ, अराउंड 40 किलोमीटर चल चुके हैं। 1:10 मैं अभी हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट, थोड़ा चलाते हैं इसको देखते हैं, तब तक चार्ज भी हो जाएगी थोड़ा 5-10 मिनट में। चलो जो मैंने गैस किया सो समाप्त। सो गाइस ये देखा जाए तो मैं जिस हिसाब से टाइमिंग में निकला, उस बीच में मेरे साथ जो हुआ वो मेरे पर्सनल काम के वजह से थोड़ा उस तरफ चला गया था, और जिस वजह से इतना दूरी का तय भी मैं कर पाया, नहीं तो कहाँ तक घूमता। एंड फाइनली आप ये देख सकते हो अपना 52.8 किलोमीटर जो कि अब तक चली है। एंड ये अपना स्कूटी है 125 cc BS6 मॉडल, और इसमें टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारी चीज़ें पहले से और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया दी है। तो ये है अपनी एक्टिवा 125 cc की माइलेज है, जो कि चली है 52.8 किलोमीटर। एंड अगर इसकी सेटिंग में जाए तो एवरेज ये दिखा रहा है 59.4। हैं ये क्या सीन है भाई, 1 लीटर में हमने तो चलाया 52.8। चलो जो भी है, तो गाइस हमने मतलब जो अपना हिसाब किताब जो हमने चलाया, एंड वो आपने पूरा वीडियो में देखा। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड ये अपने स्कूटी 125 cc जिसकी माइलेज निकल के आई है 52.8 किलोमीटर। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय भाई लोग।